ओ हेलो गाइस। तो आज मैं अपने घर में खाली था तो कुछ काम कर रहा था। काम तो मैं कल से ही कर रहा हूँ, लेकिन उस चीज़ के मैं ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि बहुत बिजी था और थोड़ा सा मोबाइल बहुत हीटिंग होता है तो बंद हो जाता है, इसके कारण नहीं बना पाया। इधर ये सब सामान देख सकते हैं, इतना सारा फैला हुआ है, पाना पेंटी सुनचीज सब रखाया हुआ है, ये देख सकते हैं पेंट उन्ट। अब इसका क्या काम मैं कर रहा था मैं कल से ही दिखाता हूँ। ठीक, ये है लिटिल, जो कि अब ये दरवाजा को घिसाई कर रहे हैं, इसमें मारेंगे लोहा वाला प्राइमर। और कल से जो काम कर रहा हूँ वो दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कूलर, ये वाला कूलर काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था तो अंदर से ख़राब हो गया था इसका वायरिंग, तो उसको मैं खोला हूँ, उसको अच्छे से बनाया हूँ। उसके बाद फिर ये चालू हो गया है, उसके बाद इसको घिसाई करके पूरा प्राइमर मार दिया है और कूलर का पूरे ये स्टैंड पंखे सब खोल दिया हूँ। और ये पूरा उसका स्टैंड देख सकते हैं, कूलर का कवर पूरा इसको घिसाई करके एकदम प्राइमर मार दी है। अब इसको पूरा सेट करके आपको दिखाऊंगा और आप वीडियो में बने रहना। और देख सकते हैं पूरा अलग अलग पूरा कर दिया हूँ, देख सकते हैं यहाँ जो रहता है कूलर का मशीन पूरा पूरा सेटअप खोल दिया हूँ। और ये देख सकते हैं पूरा इतना बड़ा मोटर पूरा खोल दिया था मैं, इसको पूरा अलग अलग करके, इसका अंदर से अब वायरिंग जल गया था अपने आप, जो कि बंद रहता था काफ़ी टाइम से, तो उसको खोल के बनाया हूँ। और उसके बाद अब ये दरवाज़ा को घिसाई कर रहे हैं क्योंकि प्राइमर खूब बचा था, तो प्राइमर इसमें मारेंगे, उसके बाद फिर इसको पेंट कर दूंगा और फिर दिखाऊंगा। और देख सकते हैं कल से मैं यहाँ ये पूरा सामान रखा हुआ है, देख सकते हैं पाना पेंटिस ये सब, और ये सब से। तो अब वीडियो बने रहना, आपको मैं ये पूरा दरवाज़ा पूरा खिड़की इसको भी पोत देंगे, फिर पेंट मार देंगे और पूरा कंप्लीट करके मैं वीडियो दिखाऊंगा और बीच बीच में कितना काम हो वो भी दिखाऊंगा, आप बने रहना। तो फाइनली जैसे देखिए हम लोग इसको प्राइमर मार चुके हैं। तो इसके बाद अब मैं करता हूँ वो सबको जो खोल रहा हूँ उसको मैं मारूंगा पेंट। आप वीडियो में बने रहना और दिखाता हूँ कैसे कैसे मैं करता हूँ पेंट और उसको फिट करूँगा फिर। पंखे भी पूरा ब्लैक कलर कर दिया हूँ और इसको सुखाता हूँ धूप में। और इसका कूलर का जो बॉडी है उसको थोड़ा सा कहीं कहीं पेंट करता हूँ। अब वीडियो में बने रहो। अब कूलर का जो ये अंदर वाला पार्ट है इसको ब्लैक कलर करूंगा और हो सके तो ये सबको ब्लैक पेंट कर दूँ मन पड़े तो। और अब वीडियो में बने रहे, दिखाता हूँ करता हूँ ठीक, बस जाली भी कर दूंगा ब्लैक। अब मैं थक गया हूँ तो ये पोताई कर रही है नीचे वाले पार्ट को, उसको मैं पोत दिया हूँ ब्लैक कलर, देख सकते हैं ये। अब इसको ये नीचे ब्लैक करवा रहा हूँ तो ये कर रही, देखते हैं कितना टाइम लगाती है। अब करता हूँ मोटर को कलर, बाकी इसके जितने सामान है पूरे सब कलर कर दिया हूँ। अब इसके बाद इसको कलर करके सुखो के सीधा। जैसे कि देख सकते हैं इसको भी मैं पोताई कर दिया हूँ, ये सामने बस का छोड़ दिया हूँ लेकिन अच्छा लग रहा। और इसका पूरा ये सामान जो कि ये अभी सूखा नहीं है तो ये सूख जाए, इसके बाद फिर इसको मैं कल फिट करूँगा वो दिखाऊँगा। अभी तो ये सब सूख गए हैं तो ठीक है, ये मशीन थोड़ा सा सूखा नहीं है और ये थोड़ा चिपक रहा थी तो बाद में दिखाऊँगा और वीडियो में बने रहना, देख सकते हैं।
और इसमें भी प्राइमर मार दिया हूँ, लेकिन इसके लिए पेंट कम पड़ गया था तो छोड़ दिया हूँ, बाकी प्राइमर मार दिया तो अच्छा लग रहा। इसमें ब्लू कलर का पेंट मारूँगा लाके। गाइस ये हो चुका है फाइनल कंप्लीट, इसका पोताई उतई वाला काम अब इसको करता हूँ, फिर अब वीडियो में बने रहना ठीक। देख सकते हैं मोटर को मैं अच्छे से लगा दिया हूँ, ये देखो अच्छा सा, और इसका वायरिंग अप कर रहा हूँ, और इसका ये पानी वाला मोटर भी लगाता हूँ, और अब वीडियो बने रहना दिखाता हूँ कैसे फिट करता हूँ, इसका कनेक्शन कैसे करता हूँ, और उसके बाद फिर चला के दिखाऊँगा ठीक। तो फाइनली गाइस मैं इसको फिट कर डाला हूँ और इसका पानी वाला मोटर भी लगा दिया हूँ, अब आपको दिखाता हूँ पूरे इसका कनेक्शन भी कर दिया हूँ अच्छे से, पानी वाला मोटर भी लगा दिया हूँ, और ये सब और देखते हैं और आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ये पानी वाला मोटर भी देख सकते हैं, और इसका कनेक्शन भी अच्छे से यहाँ से कर दिया हूँ, ये टेप ऑफ मार के ये देख सकते हैं, और ये इसका यहाँ टूट गया था तो यहाँ रस्सी से बांध दिया हूँ, लेकिन काम करेगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं जुगाड़ू आदमी हूँ, जुगाड़ करके लगा दिया हूँ। अब इसको टेस्ट करने की बारी, अब वीडियो में बने रहना, देख सकते हैं कितने अच्छे से ठीक। तो फाइनली इसको चला के देखते हैं, मैं कनेक्शन कर दिया हूँ, और यहाँ इसमें भी लाइट आ चुका है लाइट, और चलो चालू करते हैं, देखते हैं चल रहा है कि नहीं। 1 2 3 ये वाह, देख सकते हैं कि इतने अच्छे से वर्क कर रहा है, उसमें पानी वाला मोटर भी, जो पानी वाला मोटर भी चल रहा है, ये पानी वाला मोटर का आवाज है, जो कि पानी वाला मोटर का आवाज है, कैसे करेगा देखना, ये देख सकते हैं, और सामने का पंखी है। ये बात, और ये दरवाजे के लिए तो पेंट ला के मैं पोत के रख लूँगा, और ये खिड़की के लिए इसके लिए टाइम है, तो मेरा ये प्रयास और कोशिश अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और कमेंट में बताना आप लोग ऐसा काम कर लेते हो निकल लेते हो। इसका कूलर का मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इसका अंदर से वो इसका जो वायरिंग रहता है वो कट गया था, जल गया था, उसको मैं खुद से ठीक किया हूँ, मेरे चाचा इसका मैकेनिक है, तो उनके यहाँ सामान रहता है, तो उनके यहाँ जाके खुद खोल खाल के बनाया हूँ, और मेरे जो घर के जो पंखे हैं वो सबको मैं खोल खाल के खुद बना लेता हूँ। तो अच्छा लगा तो लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।